स्मृति मंधाना को आरसीबी की कमान सौंपी गई थी, जिसके साथ ही उनसे ये भी उम्मीद जताई गई थी कि वो शायद आरसीबी को जीत दिलवा पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरसीबी एक बार फिर टूर्नामेंट में फ्लॉप ही साबित हुई। इसे देखकर मंधाना भी काफी निराश थी और उन्हें इसी के चलते एक ऐसा मोमेंट भी शेयर किया जब डीसी के कप्तान मैग लेनिंग ने उनसे बात करके उन्हें मोटिवेट किया था। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी और आप देख रहे हैं क्रिकेट एडिक्टर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर महिला टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने WPL के इनॉग्रल एडिशन के दौरान दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मैग लेनिंग के साथ अपनी बातचीत के बारे में बात की। 13 मार्च को DY पाटिल स्टेडियम में WPL के 11वें मैच में डीसी द्वारा आरसीबी पर आखिरी ओवर में जीत हासिल करने के बाद दोनों कप्तानों को बाउंड्री से बात करते हुए देखा गया था। टूर्नामेंट में तब आरसीबी की लगातार 5वीं हार थी, जिसने उन्हें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की रेस में भी पीछे छोड़ दिया था। मंधाना ने स्पोर्ट्स स्टार के साथ बातचीत में कहा कि लेनिंग ने तब उनसे पूछा कि सीजन में आरसीबी की खराब शुरुआत के बाद वो कैसा फील कर रही हैं। मंधाना ने कहा, उनका आकर मुझसे बात करना उनकी तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव था। मैं बस वहीं खड़ी थी और कुछ लड़कियों का इंतजार कर रही थी। बस तभी वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ और मैं कैसा फील कर रही हूँ। मैंने कहा कि सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है। फिर हमने बल्लेबाजी के बारे में बात करना शुरू किया और कैसे क्रिकेट कभी कभी क्रूअल हो जाता है और कभी कभी कितना अमेजिंग हो जाता है, इस पर हमने बातचीत की। इस तरह के अनुभव उनको पहले से ही मौजूद हैं। इतना ही नहीं, मंधाना ने लेनिंग से कैप्टेंसी और बैटिंग के बीच बैलेंस बनाने पर भी बात की। उन्होंने बताया कि हमने इस बारे में भी बात की कि बल्लेबाजी के साथ कप्तानी को कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि आपसे रन बनाने के साथ साथ अपनी टीम का नेतृत्व करने की उम्मीदें भी जताई जाती हैं। उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी लंबे समय तक ऐसा किया है, इसलिए मैंने पूछा कि आप वास्तव में ऐसा कैसे कर पाती हैं। ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, जहां दो क्रिकेटर्स आपस में ऐसी कॉन्वर्जेशन कर रहे थे और उन्होंने मुझे मेरी बैटिंग के बारे में भी कुछ बातें बताई जो उन्होंने नोटिस की थी। आपको बता दें कि डेथ ओवर्स में जेस जॉनसन ने आरसीबी को उस दिन अपनी पहली जीत हासिल करने से रोक दिया था। हालांकि मंधाना की अगुवाई वाली टीम ने लगातार 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में आखिरी रहने से अपने आप को बचा लिया। स्मृति मंधाना WPL की ऑक्शन में बिकी सबसे महंगी खिलाड़ी थी। उन्हें 3.4 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा था। हालांकि वो अपने बल्ले से इस सीजन में कुछ खास नहीं कर पाई। उन्होंने अपने 8 मैचेस में 149 रन ही स्कोर किए हैं। आरसीबी से पहले स्मृति मंधाना टीम इंडिया के लिए कई मौकों पर कप्तान और वाइस कैप्टन तो वो रही ही है। हालांकि ये पहली बार था जब मंधाना ने फुल टाइम कैप्टेंसी का जिम्मा संभाला था। आगे वो किस तरह से टीम को लीड कर पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।